चरखा यदि आज भी प्रचलित हो जाए तो भारत भर के करोड़ों बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में एक कारगर कदम साबित होगा। आज हम लोग चरखा को चलाने का तरीका सीखेंगे और ये मेरे सामने एक चरखा रखा हुआ है, ये है यरवदा चरखा जिसको गांधी जी ने बनाया था, गांधी जी ने डिज़ाइन किया था और ये उस समय के बाकी प्रचलित चरखों से काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और अभी भी है। और ये मैंने चरखा भी यहाँ पर खोल लिया है और ये चरखा के पहिए हैं जिसको घुमाने से रुई में बल पड़ेगा, उसमें ट्विस्ट आएगा और उससे धागा बनेगा। ये हमारे पास एक पूनी है और ये इसको पहले देख लिया जाए कि इस मैकेनिज्म को, इस अपैरेटस को कैसे लगाया जाता है। तो पहले ये इसको निकाल के शुरू करते हैं। ये रस्सी है जो इसके ऊपर चढ़ेगी और ये छोटा पहिया और ये बड़ा पहिया है, बड़ा पहिया भी निकलता है और यहाँ पर बीच बीच में तेल लगा लेना उचित होता है जिससे ये अच्छे से चले। और इसको इस प्रकार से लगा देंगे हम लोग और जो रस्सी है वो इस नॉच पर यहाँ पर रहेगी छोटे पहिए के, और बड़े पहिए के लकड़ी में लिपटी रहेगी और छोटे पहिए के यहाँ पर। तो हमें जब रुई चढ़ाना होगा तो पहले उसको ऐसे करके रुई को रस्सी को ऐसे छोटे पहिए पर चढ़ा के फिर इसको उल्टा रख, इसको यहाँ से पकड़ के जिससे रस्सी उतरे नहीं, और इसको ऐसे रख कर यहाँ पर चढ़ा देंगे। फिर इसको पकड़े हुए एक तरफ से बड़े वाले पहिए पर एक तरफ से लेके जाएंगे, एक तरफ से लेके आके दूसरी तरफ से चढ़ा लेंगे। ये दिखाने के जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था तो मैं फिर से कर रहा हूँ। इसको ये पकड़ कर ये यहाँ डाल कर एक तरफ से लेके जाकर इसको घुमाते घुमाते चढ़ती जाएगी रस्सी। इसे घुमाते घुमाते ये चढ़ गई और ये घूमने लग गया। अब ये डब्बा साथ में होता है यरवदा चरखे में, और यहाँ पर आपका धागा धरेगा और इसी के माध्यम से धागा बनेगा। धागा में रुई में ट्विस्ट हम इसी के माध्यम से लाएंगे। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये दूसरी छोटी डोरी है जिसमें जो सूत काट के ही बनाई जा सकती है, और ये सूत काट के ही बनाई गई है, और इसको इस तरफ छोटे वाले पहिए के ऊपर लकड़ी के भाग पर चढ़ाकर लकड़ी के गड्ढे पर, और यहाँ से इसको बाएं हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ से इसको खींच कर नीचे की तरफ से, इसमें जो ये छोटा पहिया है इसको रस्सी के डोरी के नीचे की तरफ से लेकर जाकर यहाँ इस तरह से कर दिया जाता है जिससे ये सही तरफ घूमे। जब ये ऐसे घुमाया जाए तो ये इस प्रकार घूमे। तो ये करके इसको खींच कर यहाँ लगा दिया जाता है। इस जगह पर, ये जगह पर लकड़ी में एक छोटा सा गड्ढा बना है जिसमें अटक जाती है, और यहाँ पर थोड़ी सूत कती हुई डोरी भी लगी हुई है जिससे लकड़ी रगड़ खा के खराब ना हो। हरे रंग की वो डोरी है और यहाँ पर भी तेल डाला जा सकता है चरखा यदि कठिन हो जाए चलाने के लिए। तो हल्की सी डोरी जो प्रारंभ में है इसमें लगी हुई, हर जो धागा लगा हुआ है
उसके द्वारा कैसे चालू करते हैं पहले दिखा देते हैं आपको, और फिर अलग से कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो पहले उसको थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर इस पूनी को डोरी के साथ पकड़ के धीरे धीरे इसको घुमाकर इस पर चढ़ा देते हैं। और जब हम तिरछा खींचते हैं, जब हम तिरछा खींचते हैं इसको, तब फिर इसमें ट्विस्ट चढ़ता है, इसमें बल चढ़ता है, ये गोल गोल ज़्यादा घूमता जाता है और मजबूत बनता जाता है। तो इसको जब इसके साथ पकड़ के गोल गोल घुमाया जाता है तो ये इस पूनी की रुई को अपने इर्द गिर्द बांध लेता है और इस तरह से ये कंटिन्यूस हो जाता है, ये लगातार धागा जुड़ जाता है पूनी से। और इस तरह से आप घुमाते जाएंगे और खींचते जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धागा बनने का कार्य जारी है। ये जो धागा बन चुका है ये स्पूनी से इसी माध्यम से जुड़ा है कि ये जब हम खींचने के पहले हल्का सा गोल घुमा देते हैं तो उसमें जो बल पड़ा होता है वो रुई को अपने इर्द गिर्द घुमा लेता है और इस वजह से वो खींचता जाता है। और फिर जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो जो निकली हुई रुई है उसको भी उसमें भी बल भर जाता है और घुमाते समय, और वो भी धागा बन जाता है। तो इस प्रकार ये धागा बनता जाता है। इस तरह कुछ लंबाई का धागा बनाकर यहाँ पर पकड़ के इसमें बल देना होता है और ज़्यादा ट्विस्ट डालना होता है जिससे मजबूत हो जाए। यहाँ पर पकड़ना इसके लिए आवश्यक है जिससे ये ट्विस्ट अंदर तक, रुई के अंदर तक ना फैल जाए और उससे ये धागा नहीं मजबूत होगा बल्कि ये धागा रुई में और बंध जाएगा और फिर सूत काटना मुश्किल हो जाएगा, ये रुई निकलना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि रुई को अपने इर्द गिर्द वो घुमा घुमा के बांध लेगा। इसके लिए यहाँ पर पकड़ के इसको थोड़ा बल दें और 3-4 बार इस पहिए को घुमा कर बड़े वाले, फिर इसको ऐसे खोल के जब ऐसे ऊपर पकड़ें और फिर पहिए को घुमाएं तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इस समय मैंने इसके ऊपर चढ़ाया नहीं क्योंकि मान लीजिए ये जब टूट जाता है तब फिर क्या किया जाए ये हमें देखना है, इस वजह से इसके ऊपर हमने चढ़ाया नहीं। और इस समय जैसे ये टूट गया है, ये जब कभी गति इसके ऊपर चढ़ाने की कम ज़्यादा हो जाए तो फिर ये टूट जाता है। शुरू शुरू में कई बार होना स्वाभाविक है और ऐसे में जो हम करते हैं वो है एक खाली रुई थोड़ा सा लेकर इस धागे को यहाँ पर पकड़ कर और फिर ये दोनों आपस में लिपटेंगे नहीं। अगर इसमें बल भी दिया गया, इसको अगर घुमाया भी गया, ट्विस्ट भी दिया गया, दोनों क्योंकि कड़े धागे हो गए हैं तो आपस में कठोरता से बंधेंगे नहीं। तो उनको इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं पहले, तो उनको बांधने, उनको जोड़ने के लिए बीच में जब हम रुई दे देते हैं और उसमें फिर बल देते हैं तो वो रुई से इस तरफ भी धागा बनता जाता है और उस तरफ भी, इस वजह से बीच से जुड़ जाता है। तो इन दोनों को बीच में हमने जोड़ा और फिर इसमें चढ़ाकर बल दिया हल्का हल्का। तो इस प्रकार ये जुड़ गया। इस प्रकार ये धागा जुड़ गया। और तो इसको जब चढ़ाना हो तो इसके परपेंडिकुलर सीधे पकड़कर चढ़ जाता है। और इसको इसके बाद में फिर से ये कार्य हम जारी रख सकते हैं। हल्का सा खींचना है, पहले बल देना है, पहले इसको गोल घुमाना है जिससे ये इसमें ट्विस्ट जुड़ता जाए, ये ट्विस्ट होता जाए, घूमता जाए धागा।
और फिर थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है। ये दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वजह से इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा अभ्यास ज़रूरी है, जिस और सतत कुछ घंटों के अभ्यास के बाद में यह होने लग जाता है।